भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला कंपनी को संकट से उबारने के लिए इसमें अपनी जेब से पैसा लगाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही ब्रिटेन का वोडाफोन ग्रुप इंडस टावर्स में अपना कुछ हिस्सा बेचकर वोडाफोन आइडिया में निवेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रोमोटरों के कंपनी में कुछ पैसा लगाने के बाद ही बाहरी फंडिंग आ सकती है। वोडाफोन ग्रुप के करीबी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वोडाफोन आइडिया में अधिकांश फंडिंग बाहरी स्रोतों से आएगी। कुमार मंगलम बिरला इसमें कुछ पैसा लगा सकते हैं, हालांकि यह बहुत ज्यादा राशि नहीं होगी। वोडाफोन ग्रुप के इसमें निवेश की संभावना नहीं है। वोडाफोन ग्रुप इंडस में अपने एसेट्स बेचने की योजना है। निवेशक चाहते हैं कि दोनों प्रोमोटर्स कंपनी में पैसा लगाए, इसके बाद ही बाहर से पूंजी जुटाई जा सकेगी। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रोमोटर्स कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह राशि बहुत कम होगी। वोडाफोन आइडिया में भी वोडाफोन ग्रुप की 44.39% और आदित्य बिरला ग्रुप की 27.66% हिस्सेदारी है। वोडाफोन ग्रुप की इंडस टावर्स में 28.12% हिस्सेदारी है। पिछले एक साल से कंपनी निवेशकों को लाने की कोशिश में है, लेकिन कंपनी की 25,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की योजना अभी तक परवान नहीं चढ़ी है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार के रिलीफ पैकेज से स्थिति बदल गई है। इससे कंपनी पर कैश फ्लो का बोझ फिलहाल कम हो गया है और यह निवेशकों के लिए आकर्षक बन गई है। हालांकि इस पैकेज की घोषणा से पहले आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप ने कंपनी में ताजा निवेश से इनकार कर दिया था, परंतु अब दोनों ही प्रोमोटर्स वोडाफोन आइडिया में निवेश के लिए तैयार हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।